हे गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप Realme 10 Pro में एप्स को हाइड और लॉक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद गाइस आपको प्राइवेसी में चले जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद गाइस आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर हाइड ऐप्स का। हाइड ऐप्स पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर ये आपको बोल रहा है सेटअप प्राइवेसी पासवर्ड फर्स्ट, तो आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेना है। प्राइवेसी पासवर्ड सेट करने के बाद गाइज यहाँ पर रिकवरी इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर लेना है। अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो भी आप आंसर देते हैं उसको आपको याद रखना है, ताकि अगर आप फ्यूचर में कभी प्राइवेसी पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसको गाइज इसकी मदद से आप रिकवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो पर आपको अपना आंसर याद रहना चाहिए, ऐसा आंसर डाल देंगे यहाँ पर। इसके बाद नीचे आपको सेट अ रिकवरी ईमेल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। मैं गाइस सजेस्ट करूँगा कि आप रिकवरी ईमेल भी ज़रूर डाल लें, ताकि अगर आप आंसर भूल जाते हैं तो रिकवरी ईमेल के थ्रू आप पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। अगर फ्यूचर में आप प्राइवेसी पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसको भी आप ज़रूर ऐड कर लें। उसके बाद गाइस आपको डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको सारी ऐप्स देखने को मिल जाएंगी। जिस ऐप को भी आप हाइड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही गाइज आप किसी ऐप पर क्लिक करेंगे तो सेट एक्सेस कोड का एक मैसेज आएगा, तो आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना एक्सेस कोड सेट कर लेना है। एक्सेस कोड हैश से स्टार्ट होगा और हैश से ही ख़त्म होगा। एक्सेस कोड सेट करने के बाद गाइज यहाँ पर ये मैसेज शो कर रहा है, एंटर योर एक्सेस कोड ऑन द डायल पैड टू एक्सेस हिडन ऐप्स, यानी कि इन ऐप्स को एक्सेस करने के लिए आपको डायल पैड पे अपना एक्सेस कोड डालना पड़ेगा और वो ऐप आपकी ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर कुछ सेकंड का आपको वेट करना है और डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद गाइस ऐप सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आप हाइड करना चाहते हैं। उसके बाद गाइस आपको होम स्क्रीन पर आ जाना है। एंड गाइस आप देख सकते हैं वो ऐप आपको देखने को नहीं मिलेंगी आपकी होम स्क्रीन पे जो अभी आपने हाइड की थी। उनको एक्सेस करने के लिए गाइज आपको डायल पैड पे जाना है। यहाँ पर आपको अपना एक्सेस कोड एंटर करना है। एक्सेस कोड एंटर करने के बाद गाइज आप देख सकते हैं वो ऐप आपकी ओपन हो जाएंगी जो अभी आपने हाइड की थी। एंड गाइज यहाँ से आप उनको डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप ऐप्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। Whatever.